कहानी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तुत है विष कन्या, एक अनोखी कहानी जो कि एक मोरल स्टोरी है। आप इसे सुनिए और आप इसे इसके नैतिक ज्ञान को आत्मसात कीजिए। एक दिन राजा चित्रसेन ने अपने तीनों पुत्रों का परीक्षा लेने के लिए उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने तीनों पुत्रों को एक एक करके सोने की मुद्रा दी और उनसे कहा, इस स्वर्ण मुद्रा से कोई ऐसी वस्तु खरीद के ले आए जिससे महल का एक कमरा पूरी तरह से भर जाए। तीनों पुत्र राजा की बात मानकर अलग अलग बाजार चले जाते हैं। बाजार में वह बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लेकिन घूमते घूमते शाम हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उन्हें क्या खरीदना चाहिए। तब छोटा बेटे ने पूछा, यह पुस्तक कितने की है? पुस्तक बेच रहे आदमी ने बोला, पुस्तक का भला क्या मोल होगा भाई, यह बहुत सस्ती है, लेकिन इसमें लिखी बातें बहुत ही अनमोल हैं। ठीक है, मुझे यह चाहिए, यह स्वर्ण मुद्रा रखिए और पुस्तक मुझे दे दीजिए। शाम को तीनों बेटे वापस आते हैं और अपने कमरे में बैठकर राजा का इंतज़ार करते हैं। राजा सबसे पहले छोटे बेटे के कमरे में जाते हैं और पूछता है, बेटा क्या बात है, तुमने कुछ नहीं खरीदा? पिताजी, मैंने यह पुस्तक खरीदी है। पिता बोला, क्या एक स्वर्ण मुद्रा से केवल यह पुस्तक खरीदा? ठीक है, तुम मेरे कक्ष में चलो। इसके बाद राजा दूसरे बेटे के पास जाता है, तुम क्या लाए हो बेटा? पिताजी, मैंने भूसा खरीदा है और पूरा घर भूसे से भर दिया है। ठीक है, जाओ मेरे कक्ष में और मेरा इंतज़ार करो। अब राजा तीसरे और सबसे बड़े बेटे के पास जाते हैं। तीसरे बेटे ने अपने कमरे में अंधेरा कर रखा था। राजा जैसे ही उसके कमरे में प्रवेश करते हैं, वह तुरंत मोमबत्ती को जला देता है जिससे वह स्वर्ण मुद्रा देकर खरीदा था। राजा ने बोला, अरे वाह बेटा, तुमने तो यह कमरा ही नहीं बल्कि पूरा महल रोशनी से भर दिया। शाबाश बेटा, चलो मेरे कक्ष में। राजा अपने कक्ष में जाते हैं और सभी को अपना फैसला सुनाते हैं। महारानी, हमने फैसला किया है, हम सबसे बड़े और बुद्धिमान बेटे को ही राजा बनाएंगे और अपने दूसरे बेटे को सहायक बनाएंगे। हमारा तीसरा बेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए हमारी दौलत को इस बेकार सी पुस्तक पर खर्च कर दिया। इसके लिए महल में कोई स्थान नहीं, इसलिए इसे कह दें कि यह सुबह होते ही महल छोड़कर चला जाए। राजा का आदेश का पालन किया गया। अगले दिन जब छोटा बेटा घर छोड़कर जाने लगा, तब माँ रोते हुए आई और उसने थैले में से कुछ लड्डू बांधकर उसे रास्ते के लिए दे दिया। इसके बाद वह वहाँ से जंगल की तरफ चला गया। चलते चलते शाम हो गई और उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, इसलिए वह रात बिताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और माँ के द्वारा दिया गया लड्डू खाने के लिए निकालता है। वह जैसे ही लड्डू तोड़ता है, उसमें से सोने का सिक्का निकलता है। राजकुमार एक एक करके सारे लड्डू खाने के लिए तोड़ता गया तो उसे उसमें से ढेर सारे असरफियाँ मिली। उसने सारे असरफियाँ थैले में भर ली और पेड़ के नीचे सोने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी कि सो वह अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगा। गुणवान है पिता का प्यार, निर्गुण को भी माने, धनवान के साथी भाई बहना, निर्धन के साथी मित्र, जो जागे सो पावत है, जो सोए सो खोए। वह किताब में लिखे शब्द पर विचार करने लगा। इस किताब में जो बातें लिखी हैं वैसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। मेरे ही भाई जो गुणवान है उसे पिताजी ने राजा बना दिया और मुझे बेकार मानकर घर से निकाल दिया। मुझमें कोई गुण न होने के बाद भी माँ ने मेरी सहायता की और पिताजी से छिपाकर लड्डुओं में मुझे असरफियाँ भर के दे दिया। यह सोचते हुए राजकुमार के आंखों में आंसू आ गए। अब वह किताब में हर एक बात को परखना चाहता था। अगले दिन वह सुबह पुस्तक में लिखी अगली लाइन को परखने के लिए अपने बहन के घर की तरफ रवाना हो गया, जो वहीं पास के दूसरे राज्य में रहती थी। जब वह महल के बाहर पहुंचता है, तब सिपाही उसे रोक देता है। राजकुमारी जी के पास खबर भिजवाता है। दासी ने बोला, महारानी, खबर आई है कि द्वार पर आपके छोटे भाई आए हैं।
महारानी अपनी खिड़की से द्वार की तरफ देखती है और दासी से कहती है, दासी क्या बकवास कर रही हो, हमारा भाई आएगा तो हाथी और घोड़ों पर सवार होकर आएगा, ऐसे भिखारियों की तरह नहीं। वह कोई भिखारी दिखाई दे रहा है, उसे नौकरों के साथ रहने के लिए कह दो और रूखा सूखा जो भी हो खाने के लिए दे देना। जी महारानी। इस तरह राजकुमार को बहन होते हुए भी नौकरों के साथ रहना पड़ा और वही रूखा सूखा भोजन खाना पड़ा। उसने एक किताब में लिखी तीसरी लाइन को परख लिया था, अब बारी थी चौथी लाइन की, इसलिए बहन के घर से निकलकर मित्र के घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने मित्र के घर पहुंचता है तो उसे देखते ही गले लगा लेता है और रोने लगा। मित्र ने पूछा, अरे मित्र क्या हुआ, तेरी ऐसी हालत, सब ठीक तो है? राजकुमार ने बोला, कुछ नहीं मित्र, सब भाग्य की बात है। राजकुमार अपने घर से निकाले जाने की सारी बात सुनाता है। मित्र ने साहस दिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, यह भी आपका अपना ही घर समझें, एकदम आराम से रहिए। हाँ मित्र, राजकुमार ने बोला, तभी तो आपके पास आया हूँ, मित्र से बढ़कर कोई नहीं होता। इस प्रकार मित्र के घर में रहकर कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर वह मित्र से अनुमति लेकर आगे के सफर के लिए निकल जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है और वह दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाता है। वह रात बिताने के लिए उचित स्थान की तलाश करने लगता है कि तभी उसे मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास जाता है और जाके पंडित जी से पूछता है, पंडित जी क्या मैं आज की रात भगवान के दरबार में गुजार सकता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊँगा। बेटा यह भगवान का दरबार है, सबके लिए हमेशा खुला रहता है, लो पहले प्रसाद ग्रहण करो। राजकुमार अभी प्रसाद ग्रहण कर ही रहा था कि राजा की तरफ से नगर में डुगडुगी बजने लगी। डुगडुगी के आवाज़ सुनकर सभी लोग घरों के अंदर जाकर घर के दरवाजा बंद कर लेते हैं। राजकुमार ने पंडित से पूछा, पंडित जी यह कैसी डुगडुगी है और लोग अपना अपना दरवाजा क्यों बंद कर लिया? बेटा यह डुगडुगी यहाँ के राजा की तरफ से बजवाई जा रही है, राजा की एक ही बेटी है विषकन्या, उसी के लिए बजाई जा रही है ये डुगडुगी। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, विषकन्या? पंडित जी ने सारी बात बताया। जो कोई नौजवान राजकुमारी के कमरे में एक रात रहेगा उसे राजा अपनी बेटी का विवाह उसी नौजवान से कर देंगे। राजकुमार ने पूछा, तो पंडित जी इसमें परेशानी क्या है? बेटा परेशानी नहीं, यह मुसीबत है, मुसीबत। राजकुमार ने पूछा, मुसीबत? पंडित, हाँ बेटा, आज तक जो भी नौजवान विषकन्या के कमरे में गया है सुबह उसकी लाश ही निकली, कोई भी जीवित बचकर नहीं निकल पाता है, इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं। राजकुमार ने कहा, पंडित जी मैं अभी आया। राजकुमार उस डुगडुगी वाले के पास जाता है। अरे सुनिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पंडित ने बोला, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो, यह तो साक्षात आत्महत्या है, वहाँ से आज तक कोई भी जीवित नहीं लौटा। पंडित जी वैसे भी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और आप निश्चिंत रहें मैं आपके पास अवश्य लौटूंगा, आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दें। वह पंडित का चरण स्पर्श करता है और सैनिकों के साथ महल की ओर चल देता है। महल में पहुंचने पर राजा उस नौजवान से इसका परिचय पूछता है और राजा के हुक्म पर उस नौजवान को राजकुमारी के कमरे में बंद कर दिया जाता है। राजकुमारी पूछी, आप कौन हैं और आपको अपने जीवन से मोह नहीं है? राजकुमार सरल भाषा में जवाब दिया, वैसे तो जन्म से हम भी एक राजा हैं लेकिन अब नहीं, और रही बात जीवन की, वो तो एक दिन सभी को इस माया रूपी संसार को छोड़कर जाना ही है। विषकन्या बोली, ठीक है रात बहुत हो चुकी है, चलिए अब आप भी सो जाइए। राजकुमार ने कहा, आप विश्राम करें, हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। राजकुमारी सोने लगती है लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आती, इसलिए वह अपनी किताब को पढ़ने लगता है। जो जागे सो पावत है, जो सोवे खोए, एक ही लाइन को बार बार पढ़ता रहता है। जब राजकुमारी गहरी नींद में सो चुकी थी तभी उसके नाक से एक विषैले नाग को निकलते हुए देखा। राजकुमार बिना भयभीत हुए पास में पड़े हुए डंडे को उठाता है और जैसे ही पलंग से नाग नीचे आता है उसे मार देता है। सुबह जब राजकुमारी का कक्ष का दरवाजा खोला जाता है तो दोनों को जीवित देखकर महारानी बहुत खुश होती है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है और समस्त राज्य में उस नौजवान की बहादुरी की चर्चा होने लगती है। राजा ने भी अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह उस नौजवान से करा दिया।
कुछ दिन राज्य में रहने के बाद एक दिन राजकुमार राजा से कहते हैं, महाराज अब हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। बेटा अब तुम कहाँ जाओगे? राजकुमार ने बोला, हम अपने माता पिता के पास जाएंगे, वैसे भी बेटी का अपना घर ससुराल होता है, मैं का नहीं। राजा ने सरलतापूर्वक कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा के आदेश पर ढेर सारी हाथी घोड़ों पर ढेर सारा सामान लाद दिया और सैनिकों के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार पहले पंडित जी के पास जाते हैं और फिर अपने मित्र से मिलते हैं, फिर अपने बहन से मिलते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब सभी हंसी खुशी अपने साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक ज्ञान ये है कि विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। मनुष्य केवल शिक्षा तथा माता पिता गुरुजनों द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद और संस्कार से प्रगति कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान अवश्य करें। तो कैसी लगी हमारी यह कहानी, आप जरूर लिखिएगा कमेंट में और कम से कम एक लाइक तो कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए कुछ और अच्छी कहानियाँ लेकर आने का जी करता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।